आप सभी को नमस्कार साथियों, और सारे के सारे लोग आज हम मिलके बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग की कुछ एक ऐसी बातें जो जरूरी चीजें हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, उन बातों को हम लोग आज सीखने वाले हैं, उन बातों को समझने वाले हैं, उन बातों को जानने वाले हैं। और आज की ट्रेनिंग का बहुत ही अच्छा टाइटल मैं ढूंढ के दिया आपको, नीड फॉर स्पीड, यानी आपकी जरूरत जो है वो इस बिजनेस को बिल्ड करती है, और आपके बिजनेस में जो स्पीड होती है उससे एक्चुअली आपकी जिंदगी बदलती है। और जब स्पीड की बात की जाए तो फरारी कार, लिम्बोगिनी कार, बड़ी बड़ी कारों के नाम आते हैं जो कि दुनिया में सबसे बड़ी स्पोर्ट्स कारें होती हैं। स्पीड की बात करेंगे आज हम, आपका नेटवर्क किस तरीके से बहुत तेजी से स्पीड से चलेगा उसकी बात करेंगे, और आपके जीवन में नीड किस तरीके से आपकी स्पीड को डेवलप करती है उसके बारे में हम लोग आज बहुत सारी बातें करेंगे। साथियों, नीड और स्पीड ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है। मैं अगर अपनी जिंदगी के बारे में छोटी सी शुरुआत अगर आपके बारे में बताऊं, अपने बारे में बताऊं, और मैं आपको अपने जिंदगी में नीड और स्पीड का तालमेल अगर आपको बताऊं, तो मेरी जिंदगी में सिर्फ नीड और स्पीड से ही एक्चुअली काम हुआ है। क्योंकि मेरी जो जिंदगी थी वो नीड से चालू हुई, गरीबी से चालू हुई, तकलीफों से चालू हुई, परेशानियों से चालू हुई, मुसीबतों से चालू हुई, तकलीफों से, दिक्कतों से, और गरीबी से, मुफलिसी से, जितने भी शब्द आप बोल सकते हो उन सब से मेरी जिंदगी चालू हुई है। और एक्चुअली आजकल मेरी जो जिंदगी है वो बहुत स्पीड में है, बहुत ही बढ़िया एक्सप्रेस हाईवे पर है, और नेटवर्क बहुत तेजी से स्पीडली ग्रो कर रहा है, स्पीड से चल रहा है, सारी चीजें बहुत बढ़िया हो गई हैं। मैंने एक बात सुनी है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कि हम लोगों की जिंदगी तंग गलियों से निकल के एक सुपर एक्सप्रेस हाईवे पकड़ लेती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को ज्वाइन करके उसको अच्छी तरीके से करने लगते हो। यहां लिखा भी है, यू हैव टू फाइंड आउट योर नीड एंड योर बिजनेस डिमांड्स स्पीड। आपको क्या है, अपनी जरूरत के आकलन से इस बिजनेस की शुरुआत करनी पड़ेगी। आप इस बिजनेस में आ गए हैं, और इस बिजनेस में आना आपका अलग अलग तरीके से होता है। इस बिजनेस में या तो आप किसी के कहने से आए हैं, या किसी के प्रभाव से आए हैं, या तो आप अभाव के कारण आए हैं। मैं इस बिजनेस में अभाव के कारण आया था। कई लोग इसमें प्रभाव के कारण आते हैं, यानी किसी का जीजा ज्वाइन कराता है, किसी का दोस्त ज्वाइन कराता है, किसी का भाई ज्वाइन कराता है, किसी का रिश्तेदार ज्वाइन कराता है। मेरे को भी जब किसी ने ज्वाइन कराया था तो एक्चुअली मैं प्रभाव में ज्वाइन नहीं किया, मैंने अपने अभाव में ज्वाइन किया था। और बोलते हैं कि आप जब प्रभाव में ज्वाइन करते हो तो जब तक आप प्रभाव में रहते हो तब तक आप इस बिजनेस में बन पाते हो, रह पाते हो, चल पाते हो, लेकिन आपका अभाव जो है वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा काम करा देता है, आपकी जरूरत बहुत बड़ा काम करा देती है। तो हम लोग बहुत सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। आज मेरे को खुशी है साथियों कि मैं जितनी बातें आपके साथ करूंगा, पिछले 17.5 सालों में मैंने इसी इंडस्ट्री में, इसी कंपनी में रह के, इसी सिस्टम के साथ मैंने सारी की सारी चीजों को सीखा है, और वही चीजें मैं आपको अपने तौर तरीके से, अपनी बातों से, अपनी शैली में, जो मेरी शैली है उस शैली से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो चलते हैं नीड और स्पीड के सफर में साथियों। यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है, नॉलेज इज पावर। क्योंकि मैं आपको बहुत सारी नॉलेज दूंगा, आप बहुत सारी चीजों को नोट भी करेंगे, कुछ लोग आप में से नोट करेंगे तो आप जरूर कुछ कुछ बातों को राइट करिए, उनको लिखिए। क्योंकि बोला जाता है ओनली अप्लाइड नॉलेज इज पावर। क्योंकि जो बातें मैं आपको बोलूंगा यहाँ स्पीकर के माध्यम से, आपके फोन के स्पीकर के माध्यम से, जूम के माध्यम से आपके पास पहुंचेंगी तो जरूर, लेकिन कितने लोग उनको समझेंगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। ये बात आपके जहन में जाएंगी जरूर, लेकिन जहन में जाने के बाद इन बातों को आप अमल करेंगे भी नहीं करेंगे इस बात की भी मेरे पास कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आप जो जो बातें सुने, जो जो बातें समझें, जो जो बातें आपको बताई जाएं, उन पर आप एप्लीकेशन अपनी जिंदगी में अप्लाई करने के लिए उन बातों को जरूर सीखें। नेटवर्क मार्केटिंग डिपेंड करता है बहुत सिंपल सिंपल छोटी छोटी बातों के ऊपर। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं होती है, इसमें कोई बहुत ही कुछ मेडिकल साइंस की तरह कुछ भी, मतलब क्या है ना, बहुत भारी नहीं होता, बहुत मुश्किल नहीं होता है, लेकिन इसमें सिंपल स्टेप्स होते हैं लेकिन इजी नहीं होते।
सिंपल बातें होंगी लेकिन इजी नहीं होंगी, सिंपल होंगी लेकिन इजी नहीं होंगी। मैं दोनों बातें अलग बोल रहा हूं। आप बोलोगे सर सिंपल तो हमेशा इजी होता है। मैं इसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि हेल्थ के लिए वॉकिंग जरूरी है, योगा जरूरी है, जल्दी उठना जरूरी है, हेल्दी फूड हेल्दी खाना जरूरी है, लेकिन हम में से कितने लोग कर पाते हैं जितने लोग स्क्रीन पर हैं? आप खुद अपने आप से पूछें, सिंपल है ये सब बातें। जल्दी जगना सिंपल है, किताब पढ़ना सिंपल है, और बॉडी का ध्यान रखना सिंपल है। सब चीजें सिंपल हैं लेकिन इजी नहीं है, आसान नहीं है, इसलिए डेली हम इनको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप फॉलो कर पाए, सिंपल चीजें बताऊंगा मैं लेकिन इजी नहीं होंगी। उनको जब आप करने लगेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएंगी। 17.5 सालों की जो मेरा तजुर्बा है उसके जरिए से मैं आपको कुछ बातें करूंगा, और सब इन बातों को करते नहीं है, इसलिए साथियों सिंपल है, इस बिजनेस में सफल नहीं होते। अब आप अगर कोई बोलना चाहेंगे कि सर सब सफल नहीं होते, हमने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, यू आर एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि आप गलत नहीं हो। क्यों नहीं होते सारे सफल? क्योंकि सारे लोग सिंपल बातें मानते नहीं ना, इसलिए सफल नहीं होते। बोला जाता है नॉलेज जो है एक्चुअली आपके जीवन में, वही आपके कॉन्फिडेंस के स्तर को ऊपर करती है साथियों। यानी आपके अंदर जो ज्ञान है वही आपका धीरे 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 कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और अगर आपके जीवन में ज्ञान नहीं है, ज्ञान बहुत कम है या है ही नहीं, तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस हमेशा लो होता है। यानी नॉलेज बराबर कॉन्फिडेंस होता है। जितना नॉलेज आपको रहेगी, जितना अप्लाई करेंगे आप अपनी जिंदगी में, जितनी चीजों को बार बार आप अपने जीवन में दोहराएंगे, रिपीट करेंगे, उतनी जल्दी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो इस बिजनेस में बिल्ड होने लगेगा साथियों। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, काफी सारी चीजों को सीखना है हमको। तो आज की बात हम लोग शुरुआत करेंगे नीड, जरूरत से। जब मैं देख रहा था कि जरूरत की परिभाषा क्या है, जरूरत को कैसे मैं आपको समझा सकता हूं, तो लिखा था कि किसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होना ही एक्चुअली नीड है, जरूरत है। और कुछ करना आवश्यक होना आपकी जिंदगी में, यानी कुछ करना इतना इंपॉर्टेंट हो जाए, जरूरी हो जाए, वही उसकी बाध्यता जो है, उसको करने की कोई भी मजबूरी जो है, वो एक्चुअली आपकी एक नीड क्रिएट करती है। जैसे रोज हम सबको सोना पड़ता है, रोज हम सबको खाना पड़ता है, रोज हम सबको नहाना पड़ता है, रोज हम सबको सांस लेनी पड़ती है। बहुत सारे काम है जो हमको डेली बिना करे हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, जी नहीं पाएंगे। तो बोलेंगे यार ह्यूमन बीइंग की नीड क्या है? तो ह्यूमन बीइंग की नीड मैंने इधर लिखी है, आप देखिए ध्यान से। ऑक्सीजन, पहले क्या है, ऑक्सीजन को कभी भी मायने नहीं दिए गए थे, तवज्जो नहीं दी गई थी, लेकिन अभी कोरोना काल ने ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंट को बहुत बता दिया हम लोगों को। साथियों ऑक्सीजन एक्चुअली जरूरी है। पहले बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, उसमें कहीं भी सांस लेना और ऑक्सीजन लेना शामिल नहीं था। लेकिन अभी क्या हो गया है, अभी पहले सबसे पहले है आपके लिए सांस, ऑक्सीजन, फिर वाटर, पानी पीना जरूरी है, वैसे फूड खाना जरूरी है। इसके लिए बोला भी जाता है अगर आप ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो आप कुछ क्षणों में खत्म हो जाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो आप कुछ दिन में खत्म हो जाएंगे, खाना नहीं खाएंगे तो आप 7-8 दिन में खत्म हो जाएंगे, और अगर आप शेल्टर बढ़िया तरीके से रह नहीं पाते हैं, मतलब आपका शेल्टर नहीं है, वो भी आपकी एक जरूरत है। सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि आदमी क्या है, हम सारे ह्यूमन बीइंग हम लोग हमेशा सिक्योरिटी को तलाशते हैं। हम पहले जंगलों में रहते थे, फिर हमने गुफाओं में रहना चालू किया, फिर हमने घर बनाने चालू किए जो कच्चे होते थे, फिर हमने पक्के मकान बनाने चालू किए। यानी हम लोग आवास, शेल्टर जो है उसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। और सिर्फ इन्हीं चीजों की जरूरत नहीं है, लव की भी बहुत जरूरत है। आपको प्यार, आपकी माँ का प्यार मिलना चाहिए, भाई का प्यार मिलना चाहिए, हम में इमोशंस हैं तो हमको लव की जरूरत है, केयर की जरूरत है। हमको कुछ सोशल नीड्स भी होती हैं कि हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमारी वैल्यू होनी चाहिए, हमको लोग पूछने चाहिए, हमको लोग जानने चाहिए, हमको लोग समझने चाहिए। और इमोशनल नीड भी होती हैं बहुत सारी। इमोशनल नीड्स के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी ये सारी बातें जितनी भी मैंने लिखी हैं, अगर इनमें सबसे भारी जरूरत अगर कोई इस टाइम 21वीं सदी में है और इन सारी जरूरतों को ही पूरा कर सकती है, तो वो है मनी। ऑक्सीजन भी पैसे से आ सकती है, पानी भी आ सकता है, खाना भी आ सकता है, आवास, शेल्टर भी आ सकता है, सिक्योरिटी भी आ सकती है, प्यार भी मिल सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। सच्चा प्यार भले ही ना मिले, लेकिन प्यार जरूर मिल सकता है। यानी आपकी नीड जो है वो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस लाती है साथियों। और कोई भी काम, आपने सुना होगा एक बहुत अच्छी कहावत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी अगर कोई जरूरत हमको बहुत भयंकर तरीके से है, इसका मतलब हम काम कर जाएंगे। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी मेरे को कहानी याद आ रही है।
सुकरात जी से एक आदमी ने सफलता का मंत्र पूछना चाहा, तो सुकरात जी ने उसको बोला, भैया मैं सुबह नदी पे नहाने के लिए जाऊंगा, आप सुबह नदी पे नहाने आ जाना, वही मैं आपको बताता हूं कि आपकी सफलता का मंत्र क्या है, आप कैसे सफल हो सकते हैं। तो वो बेचारा नवयुवक रात को सो नहीं पाया, उसने बहुत करवटें बदलते हुए रात गुजारी, सुबह क्योंकि उसको सफलता का मंत्र पता चल जाने वाला था। तो सुबह सुकरात के पास जब वो पहुंचा तो सुकरात जी सुबह सुबह भोर में 5 बजे वहां पर आ गए, और नदी जो थी एक्चुअली वो सीढ़ियों वाली थी, तो सीढ़ियां उतरने लगे उसको कद्दे में। सुकरात के बारे में बोला जाता है कि वो बड़े मजबूत कदकाठी के व्यक्ति थे, तो उन्होंने उसकी गर्दन में एक फंदा डाल लिया नवयुवक के, और 20-22 साल का नवयुवक है उसको लेके सीढ़ियां उतरनी चालू करी। एक सीढ़ी उतरे घुटने तक पानी आ गया, 2 सीढ़ी उतरे जांघों तक पानी आ गया, 3 सीढ़ी उतरे कमर तक पानी आ गया, 34 सीढ़ी उतरे छाती तक पानी आ गया, और वो घबराता जा रहा है, बोला साहब मैं तो नहा के आया हूँ, मेरे को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल बात है मेरे को सफलता का मंत्र बता दो। लेकिन ये गुरुजी मान ही नहीं रहे, सुकरात जी मान ही नहीं रहे, वो लेके जा रहे हैं, और जैसे ही उसकी गर्दन तक पानी आ गया यानी नाक तक पानी आ गया, तो सुकरात ने अपनी मजबूत कदकाठी के साथ पूरा प्रेशर लगा के उसको नदी में डुबा दिया, और नदी में डुबाने के बाद जब छटपटाहट होने लगी, उसको ऑक्सीजन की जरूरत होने लगी, सांस की जरूरत होने लगी, तो उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत लगा के सुकरात जी को एक तरफ फेंका और उछल के वो वापस ऊपर आ गया, और उसने पूछा सुकरात जी थे कि साहब मैं तो सफलता का मंत्र जान रहा था, ये आप कौन सा कार्यक्रम फिट कर रहे हो मेरे साथ, मेरी तो जान चली जाती इस तरीके से। तो सुकरात जी ने एक ही बात बोली, वो पानी में अभी भी थे, सुकरात जी ने बोला बेटा जब मैं तेरे को पानी में नीचे डुबा रहा था, पूरे प्रेशर से तेरे ऊपर बैठा था, तब तेरे को क्या बात की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी? तो उसने बोला साहब सांस लेने की, ऑक्सीजन लेने की। तो बोला बेटा तेरे को पता चल गया कि इसी तरीके की जरूरत अगर सफलता की तेरी जिंदगी में क्रिएट हो जाए, भयंकर जरूरत, बर्निंग डिजायर अगर तेरी जिंदगी में आ जाए, बहुत ज्यादा, मतलब तू किसी भी कीमत पर पाना चाहे अगर सफलता को, तो बोला बेटा जा, तू आप आराम से चला जा, तू आराम से सफल हो जाएगा। यानी जरूरत को फाइंड आउट करना, हमारी जरूरत को वर्निंग डिजायर में क्रिएट करना सिर्फ और सिर्फ हमारी सफलता का आधा रास्ता है साथियों, हाफ वे है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं मेरी टीम में, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में और अदर कंपनियों में, नेटवर्क मार्केटिंग करते जरूर हैं लेकिन वो अपनी जरूरत को नहीं पहचान पाते, इसमें प्रायोरिटी नहीं दे पाते उस जरूरत को, और उतना समय नहीं लगा पाते जो इस बिजनेस की डिमांड है एक्चुअली। तो बोला भी जाता है व्हाट इज योर नीड, आप अपनी नीड को पहचानने की कोशिश करिए। मैंने भी कुछ लिखने की कोशिश करी है कि आप नीड को फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे। तो कई लोग बोलते हैं, बड़ा अच्छा डायलॉग आपने सुना होगा कि साहब हम तो बहुत सेटिस्फाई हैं, हमारी जिंदगी में कोई जरूरत नहीं, बढ़िया 25,000 रुपए तनख्वाह आ रही है, हमारी जिंदगी बढ़िया चल रही है, 2 बच्चे हैं, कोई बहुत ज्यादा लफड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। मैं लेकिन बोल रहा हूँ साथियों कि अभी हो सकता है आपकी जिंदगी अच्छी गुजर रही हो, लेकिन आने वाले समय में आप जीवन में कितने दिन तक नौकरी कर पाएंगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है। अभी ये कोरोना काल ने हमको सिखा दिया है आपका बॉडी कब तक काम पे जा पाएगी, जब तक इस बात की कोई गारंटी नहीं। आपको आपका मालिक कितने दिनों तक नौकरी देगा इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। आप अगर कुछ अपना काम करते हैं, प्रोफेशनल हैं, आपके पास कुछ स्किल है, आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, वो क्वालिटी कितने दिन तक पैसे कमाने लायक बनी रहेगी जिंदगी में, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से हाई हो रही है, नौकरियां धीरे धीरे खत्म हो रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, इन सब चीजों को हमको सोचना पड़ेगा साथियों। तो हम सेटिस्फाइड हैं करके हम बच नहीं सकते। एक्चुअली कोरोना काल ने हमको सिखा दिया है कि एक इकलौती इनकम अगर आपके परिवार में आती है तो आपका परिवार एटम बम पे बैठा हुआ है, आपका परिवार बम पे बैठा हुआ है, आपका परिवार जो है वो तकलीफ में है एक्चुअली, क्योंकि एक इकलौती इनकम अगर आपके परिवार में एक मुखिया के द्वारा आती है, अगर भगवान ना करे उस मुखिया को कोई तकलीफ हो गई और वो काम करने लायक नहीं रहा, तो आपके परिवार का क्या होगा, ये जरूरत आपको जरूर आपको सोचनी चाहिए। काफी सारे कोरोना काल में परिवार हैं साथियों जिन्होंने अपने कामगार मुखिया खोए, हमारी भी टीम में कई लोगों को हमने खोया, हमको बड़ा दुख है उन लोगों का उनका। लेकिन बात यही है कि आप कैसा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको जो मिल रहा है और आपको जो मिलना चाहिए, अब मैं परिभाषा बता रहा हूं, आपको जो मिल रहा है, आपको जो मिलना चाहिए,
उस बीच का गैप जो है वो आपकी एक्चुअली जरूरत है। इस बात को समझने की कोशिश करिए, अगर आपके बच्चे आज कोई एक छोटे स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन आपका ख्वाब है कि वो एक अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए, वो जो इन दोनों स्कूलों का गैप है एक्चुअली वो आपकी जरूरत है। आज आपके घर में किस तरीके की क्वालिटी की सुविधाएं हैं, अगर वो सुविधाएं जो आज हैं और किस तरीके की होनी चाहिए, अगर इनमें गैप है तो इसका मतलब ये आपकी जरूरत है साथियों, ये आपकी नीड है। और एक और बहुत अच्छी बात, मैं एक जोक पढ़ रहा था कि अगर पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, तो उस लड़ाई के कारण को देखने की कोशिश करें, वो कहीं ना कहीं ऐसे ही नहीं लड़ रहे जैसे उनका दिमाग खराब है, वो कहीं ना कहीं किसी गैप के कारण लड़ रहे हैं, कोई जरूरत है जो परिवार को पूरी नहीं कर पा रहा, या तो हस्बैंड पूरा नहीं कर रहा, या मैडम पूरी नहीं कर पा रही, या परिवार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तकलीफ है जिसके कारण वो झगड़ा हो रहा है, उस बात को भी आपको समझना पड़ेगा। तो व्हाट इज योर करंट प्रॉब्लम, वो हो सकता है कि आपकी जरूरत हो, व्हाट इज योर रीजन, हस्बैंड वाइफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम हो, व्हाई डू दिस बिजनेस, लॉट ऑफ रीजंस। आप रीजंस निकालेंगे तो आप इस बिजनेस के बहुत सारे करने के रीजन भी निकाल सकते हैं, और निकालने के लिए बैठे हैं तो छोड़ने के भी निकाल सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। दूसरा क्या है, प्राइमरी ऑक्यूपेशन, अगर आपका कोई भी जॉब, नौकरी, दुकान, किसानी, खेती, जो भी, वट एवर यू आर डूइंग नाउ, जो भी आप आजकल कर रहे हो, वो प्राइमरी ऑक्यूपेशन अगर आपका जो भी है, वो इस बात की गारंटी नहीं है कि वो जिंदगी भर ऐसा रहेगा, तो ये हो सकता है आपको इस बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत हो। सिक्योरिटी इन योर लाइफ, आपकी जिंदगी में अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो हमारा बिजनेस सिक्योरिटी देता है, क्योंकि आप इसमें एक टीम बिल्ड करते हैं, और टीम बिल्ड होने के बाद आप इसमें टाइम, थोड़ा सा सर्टेन टाइम जो आप डालते हैं, वो टाइम आपको मल्टीप्लाई होकर मिलता है, बहुत सारी टीम आपके लिए काम कर रही होती है, तो ये जो सिक्योरिटी है इस बिजनेस का बहुत बड़ा फीचर है, वो आपको ध्यान देना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक एग्जांपल और पूछता हूँ सभी लोगों से, कि भैया जब आप कोई 200 किलोमीटर 500 किलोमीटर कार से कहीं जाते हो तो आप बोल रहे हो मैं सेटिस्फाई हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, कोई नीड नहीं है, तो फिर चार चक्के कार में होने के बाद भी स्टेपनी क्यों लगा के लेके जाते हो? यानी हम लोग हमेशा वर्स्ट की कंडीशन, बुरे से बुरे की कंडीशन के लिए तैयारी करते हैं साथी। तो जब हम 200 किलोमीटर की यात्रा में स्टेपनी जरूरी समझते हैं, तो क्या अपनी जिंदगी में कोई सिक्योरिटी का पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई एक ऐसी इनकम नहीं होनी चाहिए, कोई एक ऐसा जरिया नहीं होना चाहिए कि अगर कुछ सब कुछ अच्छा ना चले तो हमारी जिंदगी में कहां से इनकम आएगी? वो हमको जरूर सोचना चाहिए साथियों। जैसे स्टेपनी आपकी कार में एक सिक्योरिटी का पॉइंट होती है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी आपकी जिंदगी में एक सिक्योरिटी का पॉइंट हो सकता है, उसके लिए भी आपको ये काम करना चाहिए। विदाउट दिस ओनली वन इनकम इन योर लाइफ, अगर आप एक ही इनकम पर डिपेंड करते हैं, ये भी आपकी जिंदगी और आपके परिवार के लिए बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। कई लोग बोलते हैं साहब हम तो 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में आजकल कमा रहे हैं, हमको इस बिजनेस की क्या जरूरत है? मैं आपको बताता हूं तुमको क्यों जरूरत है, क्योंकि 50,000 से 70,000 जो अभी आप कमा रहे हो वो सही बात है, लेकिन आने वाले समय में जो इन्फ्लेशन का रेट है, महंगाई की दर है, वो तेजी से बढ़ती जाएगी। और इसके लिए हम लोग प्लान में एक एग्जांपल भी देते हैं कि 2010 में क्या होता था, 20,000 में खर्चा चलता था, अभी जो 2030 आने वाले 10 सालों में आएगा, ये खर्चा 2 लाख रुपए हो जाएगा। जब ये खर्चा 2 लाख हो जाएगा, आपकी इनकम जो 50,000 से 70,000 रुपए आज पति पत्नी दोनों के काम करने से आ रही है या अकेले के काम करने से आ रही है, क्या वो 2 लाख रुपए हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो इन्फ्लेशन की दर आपको उस टाइम पर 2030 में गरीबी की ओर धकेलना चालू कर देगी। दैट्स व्हाई आपको ये बिजनेस को बिल्ड करना चाहिए साथियों। नीड को पहचानने वाले व्यक्ति को हम इस बिजनेस में बुद्धिमान समझदार व्यक्ति बोल सकते हैं, और नीड को पहचानने के बाद, जरूरत को पहचानने के बाद, जब हमको भूख लगती है तो हम लोग खाने की तरफ भागते हैं, जब हमको प्यास लगती है हम पीने की तरफ भागते हैं, जब हमको नींद आती है तो हम सोने की तरफ भागते हैं, तो जब हमको आज जरूरत है कि हमको एक और कुआ खोद लेना चाहिए अपने परिवार के लिए, तो हम लोग एक रिसोर्स ऑफ इनकम की तरफ क्यों नहीं भाग रहे? हम एक नेटवर्क बिल्ड करने की तरफ क्यों नहीं भाग रहे? हम कोई एक अच्छा जरिया ढूंढने की तरफ क्यों नहीं भाग रहे? ये हमको अपने आप से पूछना पड़ेगा साथियों। कहीं हम इतने आराम में तो नहीं है कि आराम नहीं हमको बर्बाद कर रहे?